नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण या अभियोग्यता परीक्षण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न वे हैं जो पहले बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह उपयोगी होगा। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य है, यहाँ एक विशेष शब्दावली प्रयुक्त हुई है, संरचनात्मक आकलन। संरचनात्मक आकलन को इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और असेसमेंट दो तरह का होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट या संरचनात्मक आकलन वह है जो पढ़ाई के दौरान लगातार या बीच बीच में टीचर्स करते हैं, जैसे टेस्ट लेना या कुछ पूछना या ऑब्जर्व करना। और समेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट वह होता है जो छमाही या साल भर की पढ़ाई के बाद साल के अंत में या सत्र के अंत में लिया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित है। तो इसके चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प में है अध्येताओं की निष्पत्ति प्रगति की जांच, टू टेस्ट द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स या स्टूडेंट्स। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम उत्पादों का वर्गीकरण, टू क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटपुट। तीसरा है विद्यार्थियों की अधिगम निष्पत्ति को गति प्रदान करना, टू स्पीड अप द लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा है शिक्षकों की प्रभाविता पर पृष्ठपोषण देना, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स। तो इसमें जो इसका पहला विकल्प है अध्येताओं की निष्पत्ति प्रगति की जाँच, मतलब उन्होंने कितनी प्रोग्रेस किया इसकी जाँच करना है परफॉर्मेंस में, तो कितना परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस हुआ इसकी जांच करनी है। यह जो कंसेप्ट है कितना प्रोग्रेस हुआ, यह फॉर्मेटिव का नहीं बल्कि समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। विद्यार्थियों के अधिगम उत्पादों का वर्गीकरण, लर्निंग आउटपुट को क्लासिफाई करना, यह भी अगर होगा तो समेटिव में होगा, इसमें नहीं होगा। और शिक्षकों की प्रभाविता पर पृष्ठभूषण भी इसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों की अधिगम निष्पत्ति को गति प्रदान करना। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जब टीचर्स करते हैं तो वह इसलिए करते हैं कि बच्चों की कितनी प्रगति हो रही है और कहाँ कमजोरी है, और जो कमजोरी है या किस पक्ष में उनकी मजबूती और कमजोरी है और कमजोरियों को दूर करके उनको और बेहतर करना। तो लर्निंग परफॉर्मेंस को स्पीड देना, उनको और बेहतर करने में सहायता देने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर्स एजुकेशन क्यों आवश्यक है। तो शिक्षण कौशलों के अर्जन में सहायता, एक्विजिशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। दूसरा है विद्यालय संगठन की विधियों की समझ, टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सी विषय वस्तु ज्ञान के उन्नयन, इंक्रीजिंग सब्जेक्ट नॉलेज और उपर्युक्त सभी। तो टीचर्स ट्रेनिंग या टीचर्स एजुकेशन में स्किल भी सीखी जाती है, टीचिंग स्किल, स्कूल ऑर्गेनाइज करना भी सीखा जाता है और सब्जेक्ट नॉलेज भी कुछ हद तक इंक्रीज करता है। इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अभिनय किसके शिक्षण के लिए प्रभावी होगा, किस प्रकार के शिक्षण के लिए अभिनय या एक्ट या रोल प्ले सही होगा। इसमें तीन विकल्प हैं, इतिहास, विज्ञान, भाषा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग जान लें कि भाषा के लिए बहुत अधिक उपयोग है, खासकर लिटरेचर के अध्ययन के लिए। इतिहास में भी यह बहुत उपयोगी है और विज्ञान में भी बहुत हद तक इसका उपयोग होता है। इसलिए उपर्युक्त सभी और अब इसका सही उत्तर है आंसर डी। नेक्स्ट है शिक्षण में सर्वाधिक संतुष्टिकारक होता है, जो टीचर्स होते हैं जो टीचिंग करते हैं उसमें सबसे अधिक संतुष्टि किस बात से मिलती है। तो बच्चों के प्रति प्रेम का भाव, मानवों की सेवा का भाव, एक निश्चित आर्थिक लाभ और अध्येताओं के सर्वांगीण विकास में योगदान का भाव। डेफिनेटली जो सेटिस्फेक्शन है वह बच्चों के प्रति प्रेम होगा तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मानवों की सेवा का भाव भी होगा तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आर्थिक लाभ से सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें एक सही शिक्षक जो होता है उसको बच्चों को विकसित करते हुए उसको सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है कि बच्चे विकास कर रहे हैं, हर दिशा में विकास कर रहे हैं। तो सर्वांगीण विकास में योगदान देने का जो भाव है अध्येताओं के विकास में वह सबसे अधिक है, इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर डी है। हालांकि ए बी सी भी गलत नहीं है, उसमें भी संतुष्टि मिलती है, लेकिन यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर डी है, इसलिए उसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व किस चीज का परिणाम है। तो घर पर लालन पालन का, पेरेंटिंग का या रियरिंग का, चाइल्ड रियरिंग का
परिणाम है। तो निश्चित तौर पर व्यक्तित्व के पर इसका प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार से घर में उनका लालन पालन होता है। दूसरा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो जो व्यक्तित्व है हम लोग यह समझ लें कि हेरिडिटी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी जो उसकी अनुवांशिकता होती है उसके जो माँ बाप से या पूर्वजों से जो गुण उसमें आए हुए होते हैं उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर। लेकिन साथ में ही जो पर्यावरण है जो उसको घर परिवार मिला है आस पड़ोस मिला है बच्चे मिले हैं जो आसपास का वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है और दोनों की अंतःक्रिया से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए बी सही आंसर है और ए भी हमने देखा कि उसका भी प्रभाव पड़ता है और सी केवल परिवेश का केवल पर्यावरण का तो केवल एनवायरमेंट का प्रभाव नहीं होता अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और केवल अनुवांशिकता का केवल हेरिडिटी का तो यह भी सही नहीं है। इसलिए सी और डी तो सही नहीं है और जो घर का लालन पालन है वह पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है इसलिए इसका आंसर बी होगा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन सा है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मुक्त सिरों वाला प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन सही तथा गलत ट्रू एंड फॉल्स और निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार से जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जिसका सटीक उत्तर होता है और एक ही उत्तर होता है और विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें हम लंबा उत्तर देते हैं और उसमें 100% हम नहीं कह सकते कि यही एक उत्तर है उसको अन्य भिन्न भाषाओं में भी दी जा सकती है अलग अलग प्रकार की लंबाई में दी जा सकती है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वह सही तथा गलत है ट्रू एंड फॉल्स। बाकी जो तीनों हैं वह ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन केवल सी है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ए बी एंड डी है इसलिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया था आंसर सी होगा। नेक्स्ट है एक बच्चे का प्रथम शिक्षक माना जाता है फर्स्ट टीचर कौन होता है किसी व्यक्ति के लिए बच्चे के लिए तो प्रधानाचार्य कक्षाध्यापक माता और अनुदेशक। तो यहाँ पर यह हम लोग जान लें कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति का प्रथम शिक्षक या शिक्षिका उसकी माता होती है तो इसलिए सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है एक शिक्षक जो अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है उसे क्या करना चाहिए एक शिक्षक है जो पढ़ाता तो है लेकिन बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता बच्चे कुछ और चीजों पर ध्यान देते हैं या आपस में कुछ बातचीत करते हैं तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए तो अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए यह कतई उचित नहीं है कि वो त्याग पत्र दे दे। दूसरा अपने अध्येताओं में कमियां ढूंढनी चाहिए बहुत से शिक्षक होते हैं जो आकर्षित नहीं कर पाते हैं ध्यान तो वे कहते हैं कि बच्चे ही बदमाश हैं और बच्चे ही सही नहीं हैं तो यह भी सही नहीं है बच्चों में कमियां ढूंढना एक शिक्षक के लिए सही नहीं है और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। बोलकर लिखवाना शुरू कर देना बोलकर लिखवाना शुरू करना कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि जब वह पढ़ाते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो वह कहते हैं आप लिखिए और इस प्रकार से क्लास शांत हो जाता है जो कि पढ़ाते समय शांत नहीं होता है लेकिन यह भी तरकीब एक है शांत करने का लेकिन यह पढ़ाने का सही तरीका नहीं है यह भी टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं दिखाता है तो इसलिए अभी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करना डेफिनेटली अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं छात्र उनका ध्यान कहीं अन्यत्र चला जाता है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा अंतःनिरीक्षण करना होगा और इस प्रकार से उसमें मूल्यांकन कर अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन कर उसमें सुधार करने से बच्चे आकर्षित होंगे आपके तरफ ध्यान देंगे शिक्षण पर ध्यान देंगे इसलिए आंसर डी। नेक्स्ट है श्यामपट्ट को किस श्रेणी की सहायक सामग्री में रखा जा सकता है टीचिंग एड्स की बात है और श्यामपट्ट एक टीचिंग एड है तो इसको किस प्रकार के टीचिंग एड्स में रखा जा सकता है यहाँ पर जो वर्गीकरण है श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री और उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रव्य सामग्री मतलब जिस सुन करके सीखा जाने वाला सामग्री दृश्य सामग्री मतलब देख करके सीखा जाने वाला सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें ऐसा सामग्री जिसको देखा और सुना जा सकता है। टीचिंग एड्स कुछ होते हैं जिस जो हम सुनते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर है टेप रिकॉर्डर है इस तरह से दृश्य सामग्री जिसको हम देखते हैं जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है और श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको हम देखते और सुनते हैं जैसे वीडियो है या टीवी है तो श्यामपट्ट को हम देखते हैं तो इसलिए दृश्य सामग्री है तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 10+2+3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था किसका प्रतिवेदन था
स्वतंत्र भारत में कुछ आयोग बनाए गए या शिक्षा नीति बनाई गई, तो उनका यहाँ विकल्प दिया गया है और किस आयोग या शिक्षा नीति ने यह व्यवस्था दी थी। तो पहले 10+2+3 हम लोग समझ लें। 10 है अप टू क्लास 10 तक के लिए, 2 है इंटर के लिए और 3 है ग्रेजुएशन के लिए, मतलब 10 साल की स्कूली शिक्षा और 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था किसने दिया था? तो मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कोठारी आयोग और राधाकृष्णन आयोग। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में रिकमेंड किया गया था और यह लागू हुआ था, इसलिए यह उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इफेक्टिव डिसिप्लिन लागू करना है तो क्या करना चाहिए? तो बच्चों को वह करने देना चाहिए जो वे चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इफेक्टिव डिसिप्लिन नहीं होगा, इनडिसिप्लिन होने के खतरे हैं। बच्चों से सख्ती से पेश आना चाहिए, सख्ती से पेश आना, उन पर कड़ाई करना बाल मनोविज्ञान के खिलाफ है, चाइल्ड साइकोलॉजी के खिलाफ है, इसलिए यह बात भी सही नहीं होगा। सी है, बच्चों को रुचिपूर्ण क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में उनको इंगेज कर देना चाहिए। यह एक सही तरीका है कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में उनको शामिल किया जाए। और नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट जो विकल्प है, उनसे चतुराई से और स्पष्ट रूप से निपटना चाहिए। भाई ये बाजार नहीं है या कोई कुश्ती का मैदान नहीं है कि उनसे निपटना है, तो इसलिए यह विकल्प तो है ही नहीं। इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं और अनुशासन टूटता है, इसका मतलब है कि वे रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ाने में। तो हमको क्या करना है कि हम इस तरह से पढ़ाएं कि वो एक्टिविटीज में इंगेज हो जाएं और इंटरेस्टिंग हो जाए उनके लिए, और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू वो सीखेंगे तो अनुशासन प्रभावी होगा, इनडिसिप्लिन नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा को इंग्लिश में इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और इंग्लिश में फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल तीन प्रकार की शिक्षा होती है, शिक्षा के साधन है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल की बात हो रही है कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल शिक्षा से संबंधित है। तो विद्यालयन या केवल विद्यालयन, स्कूलिंग जो है वह फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड है। जीवन पर्यंत मतलब ऐसी शिक्षा जो जीवन तक जब तक जीवन है तब तक चलता है। और तीसरा है समयबद्ध, तो समयबद्ध जो है वह विद्यालयी शिक्षा ही है, इसलिए वह भी फॉर्मल से रिलेटेड है औपचारिक से। और पूर्व नियोजित प्री प्लान वह भी औपचारिक शिक्षा से संबंधित है या नॉन फॉर्मल से भी संबंधित हो सकता है। तो लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है वह जो हम कभी भी कहीं से भी सीख लेते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा है। घर में बातचीत करते हुए, किसी गेस्ट से, कहीं बाहर टीवी देखते हुए, कोई खेल के मैदान में, कहीं प्रकृति में, जहां से भी हम यहाँ वहां कहीं से भी सीख लेते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा है। और इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहती है, जब जन्म लेते हैं उसके बाद से सीखना आरंभ होता है, जब तक मरते हैं तब तक सीखते रहते हैं। तो यह अनौपचारिक शिक्षा में आएगा, इसका आंसर बी होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं और जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट में कहीं भी आ सकते हैं या भिन्न प्रकार के भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ सकते हैं जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने प्रश्नों का विश्लेषण भी किया कि कोई आंसर क्यों सही है, और इसी प्रकार से हम लोग आगे के वीडियो में भी इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करते रहेंगे। आपने इसको ध्यान से सुना, देखा, धन्यवाद।